गौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा माफिया अभियान में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्यवाही इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा भूमाफिया पर करते हुए इंदौर के खजराना और एमआईजी थाना क्षेत्र में रसूखदार भूमाफियाओं पर 6 मामले दर्ज किए गए थे और एक भूमाफिया पर रासुका की कार्यवाही की गई है। वहीं एसपी आशुतोष बागरी द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन भी किया गया जिसमें खजराना व एमआईजी के थाना प्रभारी व साइबर सेल से एक अधिकारी को टीम में शामिल किया गया है जिसमें बाकी 14 भूमाफियाओं पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था जिसको बढ़ाकर आज एसपी आशुतोष बागरी द्वारा 20,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि फरार भूमाफियाओं पर पूर्व में 10,000 का इनाम घोषित था जिसको बढ़ाकर 20,000 किया गया है। वहीं फरार भूमाफियाओं को पकड़ने के लिए उनके घर पर लगातार दबिश दी जा रही है। फरार भूमाफियाओं के घर पर पुलिस द्वारा देर रात भी नजर रखी जा रही है। वहीं फरार भूमाफिया प्रतीक संघवी के घर भी पुलिस ने देर रात दबिश दी थी जिसमें प्रतीक संघवी का पासपोर्ट मिला जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया और उसके परिवार से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई जिसमें भूमाफिया प्रतीक संघवी के परिवार वालों से जब मोबाइल के बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो परिवार वालों का कहना था कि निगम की कचरा गाड़ी में मोबाइल फेंक दिया था। वहीं एसपी आशुतोष बागरी का कहना है कि जितने भी इनामी फरार भूमाफिया हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी जिसमें जैसा कि आपको विदित है कि भूमाफियाओं पे अभी तक यहाँ पे 6 FIR अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी जिसमें मतलब दर्ज की गई थी जिसमें कि 4 जो है खजराना थाने में और 2 MIG थाने में थी और इसमें से जो आरोपी फरार थे उस पर हमने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उस पर इनाम बढ़ाने के लिए रेस्पेक्टेड DIG सर को भेजा गया था प्रतिवेदन और उस पर इनाम बढ़ा दिया गया है। इसमें 20,000 रुपये का इनाम हो गया है। जो 6 FIR कायम हुई थी उनमें से जो प्रमुख आरोपी हैं जो फरार हैं अभी तो पुलिस जो है लगातार इनके घरों में दबिश दे रही है और जब भी मौका मिलता है जो भी खबर आती है पुलिस जाती है वहाँ पे और ऐसा है कि रात में भी कंटिन्यूसली पुलिस ने वॉच रखी है कि कभी यदि वो अपने घर में आते हैं या कि किसी रिश्तेदार से संपर्क में हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और दूसरा कल जो है मैं प्रतीक संघवी के घर पे पुलिस गई थी और पूछताछ की है उसने उसके बारे में तो जो वहाँ से हमें इनका पासपोर्ट मिला है और पासपोर्ट का के आधार पर इनका लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि ये भाग करके विदेश ना जा पाएँ। और यहाँ से जो प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस ने भी ये पता किया कि आप मोबाइल के बारे में तो उन्होंने यही कहा कि हमने नगर निगम की गाड़ी में उसको फेंक दिया है वो कचरे में चला गया है। तो ठीक है खैर उनका अपना कहना है लेकिन ये है कि पुलिस अपना अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही है कि ये पकड़ में आए और इनकी गिरफ्तारी संभव हो।